एक तो आज मौसम बड़ा खुशगवार है, हवा बड़ी जबरदस्त चल रही है और वो भी ठंडी ठंडी, और दुकानदार साहब जो हैं वो तो बड़े मजे से सो रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी रोटी जा रही है माशाल्लाह। अच्छा ये तो पूछें बेगम साहबा से कि ये आया कहाँ से है और किसका। मसाला अच्छे से बनते हैं और उसमें मैंने कर दिए छोले। मेरे लिए थोड़े से भी नहीं निकाले, थोड़े से तुम्हें पता है मैं खाता हूँ। कहाँ से तोड़ के लाए हो बच्चों? कौन से दरख्त से? किधर वाले दरख्त से? वाटर वाले दरख्त से। ये देखें जी गांव की स्पेशल चीज, ये सुबह मंगाई है, ये वाले चेक करें, ये खजूर के पत्ते हैं और ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वो है, और ये स्पेशल मंगाए गए हैं जी, वो जो चंगेरे होते हैं ना जिसको हम अपनी ज़ुबान में छब्बी कहते हैं, वो बनाने के लिए सबसे पहले इनको कलर किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, फिर ये जो डिज़ाइन बनाता होगा उसको दिए जाएंगे, तो वो इनकी जो है ना चंगेरे बना के देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। कल ये सामने वाले घर में डेथ हुई जो कि आपको बताया, और अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ होगा और जनाजा पढ़ के आ रहा हूँ। पाक मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। आज सुबह ये हमारे इमाम साहब इनके चचा थे, उनकी डेथ हुई है सुबह, इन्होंने बताया है, तो फिर 11 बजे जनाजा था और अभी टाइम हो रहा है 11:41, तकरीबन 20 मिनट हुए हैं मुझे वापस आए हुए। घर आके देखा तो कुछ सीन ही अलग है। एक तो आज मौसम बड़ा खुशगवार है, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और वो भी ठंडी ठंडी। दूसरा ये कि हमारी दुकान का शटर जो है ना वो खुला हुआ है और दुकानदार साहब जो हैं वो तो बड़े मज़े से सो रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। आज मैंने बेगम साहबा को सजा दी है, वो सजा कैसे दिए और क्यों दिए वो आपको बताता हूँ। लेकिन सीधी असूल वाली बात है, जिसकी दुकान होती है वो अपनी दुकानदारी को संभालता है, अपनी दुकान की केयर करता है, अपनी दुकान को देखता है, बैठता है, सामान देता है और अपनी जो है ना दुकानदारी ठीक करता है। हमारे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि उस तरफ से जो है ना दुकान खुली होती थी और इस तरफ से जो है ना बंद होती थी, तो हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद जैसे बच्चे आते हैं चीज़ लेने के लिए, कोई आ रहा है तो कभी बच्चे दे रहे हैं, कभी कोई दे रहा है, कभी मैं दे रहा हूँ, कभी अच्छी दे रही है, कभी बेगम साहबा दे रही है, कभी भाई दे रहा है। तो मैंने सुबह बेगम साहबा को जनाजे पर जाने से पहले मैंने कहा या तो दुकान बंद कर दो या फिर प्रॉपर अगर दुकानदारी करनी है तो दुकान खोल के बैठो, उधर बैठ रहो। अब ये कह रही है कि जब से तुम गए हो उस वक्त से लेकर अभी तक एक भी गाहक नहीं आया, दुकान खोल दें तो गाहक नहीं आते, दुकान बंद हो तो फिर हर 5 मिनट बाद उधर से आ जाते हैं, हर 5 मिनट फिर पर फिर बच्चे पता है करते क्या है, 10 रुपए लेके आएंगे ना, 5 रुपए की चीज लेंगे, 5 रुपए वापस लेके चले जाएंगे। कैसे हो? मैं दुकान खोल के बैठी हूँ, कोई नहीं आया, अगर मैं दुकान बंद करके अभी अंदर अभी आ जाएंगे तो यकीन करो 8 से 10 बच्चे आ जाएंगे चीज लेने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान के आगे किसी ने जादू कर दिया कि खोले तो चीज ना बिके, इसका सौदा ना बिके, बंद करे तो इसे बैठने ना। वही जब से मैं जनाजे पे गया था उससे पहले की खोल के बैठी हो ना, उससे पहले खोल के बैठी, अभी आप यहीं थे जनाजे पे गए नहीं थे, 2 घंटे हो गए मुसलसल मुझे यहीं पे लेटे हो, कोई नहीं सर में भी, कोई नहीं सर में भी इतना शदीद दर्द, अभी गोलियां खाई है, देखो गिलास ये रखा पानी ये रखा कोई भी नहीं आया। चलो उठो अंदर चलो। नहीं अब नहीं जाऊंगी, अब सारा दिन यहीं बैठे सजा कबूल करो। उठो उठो लड़ो, नहीं, नहीं, उठो उठो नहीं, लड़ो नहीं, उठो उठो उठो, मैं संभाल लेता हूँ दुकान, नहीं, नहीं, अब उठो उठो। संभालने वाले होते तो फिर मुझे ना अंदाज़ा है, असल में हमें और भी काम बहुत होते हैं ना, बहुत काम, तुम तो सारा दिन मेरे ख्याल से कहीं लेके ना पहाड़ तोड़ने चले जाते हो। चलो उठो शाबाश अंदर चलो। नहीं नहीं यहीं पे सिलेंडर लिया और चूल्हा लिया। कह रही है जो तुमने सजा दिए वो मैं पूरी करूंगी, यहाँ से हिलूंगी नहीं, बैठी रहूंगी,
उठो उठो शाबाश, नहीं नहीं मान लो क्या नहीं, नहीं। अच्छा उठ के तो बैठो, किसी को बैठने तो दो, उठ के बैठो शाबाश। वहाँ पे कहाँ पे बैठ जाओ, इस पे शोकेस पे चढ़ के बैठ जाओ, ये इसकी बातें सुने आप, शोकेस पे चढ़ के मैं बैठ जाऊँ और तुम यहाँ पे आराम से बैठे, इधर से भी खोल के बैठो ना ताकि हवा की पासिंग हो, ऐसे दोनों तरफ से हवा की पासिंग होती रहे। वैसे एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, तुम्हें दुकानदारी जचती है? जैसे कई दूसरे विलेजेस में जाए, कहीं जाए ना तो लेडीज अक्सर दुकान खोल के बैठ, तुम भी वही हो। पहले राबिया दुकान वाली थी जी, फिर राबिया दुकान वाली से, अब मैं आपको व्हाट्सअप मैसेजेस चेक कराऊँ ना, जो अननोन नंबर कोई आता है ना तो राबिया से पूछते हैं, या राबिया बताती है कि वो पूछते हैं कौन, तो ये पता है अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराती है, ये कराती है राबिया अचार वाली। अभी चलो मुबारक हो, एक कस्टमर आ गया, अगी दे जोर, ये भी वापस करो। अच्छा साबुन एक्सचेंज करना है, साबुन कौन सी? वालेकुम सलाम सही, क्या हाल है किबला, ठीक हो? तबियत ठीक है? फिट हो? तबियत ठीक है? दुआ सारे वास्ते दुआ कीता करो, बुजुर्ग बंदे ही सारे वास्ते दुआ कीती कर, तू दुआ कीती कर। अल्लाह 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 अल्लाह, गर्मी च कहते गया हमें घूमन फिरन, ये है जी बुजुर्गों की बरकतें, कहीं भी सुनते है ना फौतगी हुई है तो फौतगी के पीछे गए थे, इधर भी गए थे और उधर जहाँ से मैं हो गया हूँ ये भी वहीं से आ रहे हैं। ये देखो मेरे आने से कैसी बरकतें हो रही हैं, माशाल्लाह दूसरा कस्टमर आ गया, क्या हो गए बीबी क्या? एक देख रही हो, ये देखो कह रही है दो घंटे से कोई नहीं आया, अभी खुद अभी जाऊं लेके आऊं, राबी आचार वाली अभी खुद जाऊं लेने के लिए। अच्छा एक 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 और चीज दिखाओ आपको, नहीं 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 रखा रहे ना, कांटे का मुंह किस तरफ था? इस तरफ था, वो काला चार तोला ना उसके वजह से। अल्लाह अल्लाह, इस पंखे को देख के आप यकीन करें कि यादें जो है ना पुरानी ताजा हो गई हैं, क्योंकि ये पंखा हमारी लाइफ का सबसे पहला पंखा है, ऐसा है ना राबिया? हाँ। है ना, लाइफ का सबसे पहला पंखा है ये वाला, कराची में लिया था ना? हाँ, और कुरंगी नहीं नहीं कुरंगी ढाई से लिया था। हाँ, कुरंगी ढाई से लिया था, ढाई नंबर कुरंगी से। पापड़ के पैसे दे दो, अभी दुकानदार मैं हूँ ना। मेरे पे गुस्सा हो रही, मैं कह तो रहा हूँ कि तुम चली जाओ अंदर, मैं बैठा हुआ हूँ। कह रही है कि नहीं बस तुमने बेटा अंदर चले जाओ, तुम खाना वाना बना लो, और आज खाने में सिलेंडर भी इधर ले आऊँ, चूल्हा भी इधर ही ले आऊँ, सब कुछ इधर ही ले आऊँ, और आज खाने में क्या बना रही हो? खाली छोले। खाली छोले? छोले वाले चावल बना दो। छोले वाले चावल बना लो, अचार के साथ खाएंगे। पैसे दो चावलों के। कितने पैसे हैं? मैं सुबह राबिया मेरे पैसे कहाँ हैं? सुबह मैं जब जनाजे पे गया हूँ तो मैंने चेंज किए थे कपड़े, मैंने रख दिए थे। रख दिए ना, वो मेरे थे पैसे, रात बोतल वाला आपके नहीं थे, भूलो नहीं, वही सारे के सारे मैं तो इधर रख के गया था ना। 800 रुपए दो चावलों के। कितने? 2 किलो चावल लेने हैं। 800 रुपए? हाँ जी, 400 रुपए। अभी कह रही है कि कोई कस्टमर नहीं आता, तुम ले लो फिर मैं पैसे दे रहा हूँ, ले लो चावल बना लो, वी आई पी मजे वाले छोले वाले चावल। हाँ, अचार के साथ मजा आएगा बड़ा। अहमद को वैसे भी छोले वाले चावल पसंद है। हाँ मजे, कहता हूँ जी चस आ जा सी। वाओ, कहाँ से तोड़ के लाए हो बच्चों? कौन से दरख्त से? किधर वाले दरख्त से? वाटर वाले दरख्त से? राबिया वाटर वाले दरख्त से तोड़ के लाए ये? जा मन, तुम भी साथ थी? वालेकुम है काला। ये चेक करें जी, अभी हाल ही को है तो देर ताजे ताजे तोड़ के लाए, एक ट्राई करते हैं। ये वैसे खट्टे जो होते हैं ना, थोड़े थोड़े मीठे बड़े लगते हैं, ये खट्टे जो होते हैं और मीठे बड़े लगते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मुंह पकड़ेंगे अभी, ये जो अपना जंतर लगा हुआ है उधर से, जो जामा है ना उधर से तोड़ के लाया हो ना, ये कोने पे, अभी थोड़ी देर है इनको, थोड़ा सब्र कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन और दे रहे हैं इनको।
क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया है ना, वो जायका नहीं है जामुन का। खाओ खाओ, एंजॉय करो। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि नहीं होता है? जिस दिन भी चावलों की फरमाइश खास तौर पे मैं करूँ ना, तो उस दिन चावल नहीं बनते। आज भी फरमाइश की बेगम साहबा चावल बनाने वाली, इतने में देखा कि तंदूर में आग भी जल रही थी और जो है वो आटा लेके आ रही थी रोटी बनाने के लिए। अब मैंने कहा जी क्या करेंगे अब, फिर मैंने कहा राबिया आटा रख दो फ्रिज में, लेकिन फिर कह रही हैं कि गर्मियाँ काफ़ी शदीद हैं भाई, दिन में सिर्फ हम चला सकते हैं फ्रिज, रात के वक्त तो हम चलाते नहीं हैं क्योंकि बिजली के बिल आपको पता है कि फिर कैसे, ये जो चार बाल हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बेहतर है कि रात में दोनों फ्रिज बंद कर देते हैं, दिन में सोलर पे चलते रहते हैं तो काजी का आटा खराब हो जाएगा। और आपको पता है कि गांव वालों से वैसे जीत देते हैं, बिल ज़्यादा गाँव वालों को देते हैं और बिजली भी ज़्यादा गाँव वालों की बंद करते हैं। ज़्यादा लोड शेडिंग हमेशा गाँव देहात में ही होती है, शहरों में इतनी देर, कराची में एक घंटा अगर बिजली चली जाए ना तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, दो घंटे अगर गैर एलानिया करें तो, रूटीन वाइज अगर जा रही हो तो ठीक है, अगर ऐसे चली जाए गैर एलानिया तो फिर लोग रोडों पे आ जाते हैं, गिराव कर देते हैं। हाँ, कुछ हाँ, हाँ तो आठ आठ दिन नहीं आती, दस दस दिन, ये हमारे ओल्ड जो व्यूवर्स हैं उनको पता है। कल नहीं था मैं कुछ चावल खावा नहीं था, कर सवेरे सवेरे आटा रसा रख रहे थी, खट्टा थी बनिया देर नाल थोड़ा आटा रसा में अच्छा, असल में बच्चे टाइम पे जो है ना भूख लग जाती है ना बच्चों को, तो बच्चे जल्दी जल्दी तो अद्धी जो है ना जल्दी जल्दी आटा वगैरह गूंद के रख देती है ताकि बच्चे जो है ना टाइम से, दोपहर का खाना होता ही जी टाइम का है, बाकी तो वैसे बे टाइम में होता है, लेकिन हमारा तो वैसे ही बे टाइम होता है कभी कभी, लेकिन बच्चों को टाइम पर मिल जाता है और अद्धी इसी वजह से जो है ना जल्दी जल्दी बना कर, तकरीबन रोटियाँ भी सारी बन गई है, ये चाहिए भाग गया सारे खत्म शोध। ये हमारी रोटी जा रही है माशाल्लाह। अच्छा ये तो पूछें बेगम साहबा से कि ये आया कहाँ से है और किसका है। राबिया ये जो ये रखा हुआ है ये छबिया बनाने के लिए, ये तुम बनाओगी और ये किसका है? ये मामी का है। मामी का है तो मामी हमारे घर में छोड़ के देगी और ये देने हैं पति लेके जाएगी बनवाने के लिए। अच्छा क्योंकि ये वाला जो है ना, मैं तो कहता हूँ अभी जैसे खजूर का सीज़न अभी आने वाला है ना, सावन लगने वाला है दो तीन दिन में ना, तो तुम एक काम करो ना, खजूरों की छटाई होगी ना तो ऐसे वाले निकलवा लेना। ये सर यहाँ नहीं मिल रहे हैं, सर को छोड़ो ये वाले, इनको सर कहते हैं जी, सर के बगैर कहाँ छबिया, सर भी आ जाएगी। ये जो भूतरे होते हैं ना पत्ते खजूर के, ये वाले क्योंकि इनको सुखाने में और रंगने में फिर काफ़ी टाइम लगता है। वो पिछले साल के खाले के, वो डिजाइन कौन सा है जो मामी कह रही थी, डिजाइन जरा चेक कराना, मैं जरा ये रखूं। ये वाला डिजाइन है जी, ये वाले इसके लिए बनने के लिए, और ये तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये हमने कहाँ से बनवाया था या किसने बना के दिया था? गिफ्ट तो हमारे पास आया था यहाँ पर, फिर ऐसे कारीगर हैं जो ये सेम डिजाइन बना लेंगे, ये पीर महल से पठानी बाजी देख ले। अच्छा लेकिन यहाँ पर बना तो लेंगे राबिया, ये तो बात नहीं, नहीं 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 नहीं, इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेंगे। और ये सर की बनी हुई है, वो सर तो इसके अंदर होता है ना, बाहर भी सर की बनी हुई है। बाहर कौन सा सर है ये चेक कीजिएगा जी, ये खजूर के पत्ते नहीं है। नहीं नहीं ये खजूर के पत्ते नहीं है। क्या हो गया राबिया? बस अद्दी भी कह रही है वो दिखाओ, वो कौन कितना पानी पी गए, ये डिजाइन वैसे माशाल्लाह स्टार वाला है, मेरी नानी अम्मा बनाया करती थी मुझे अच्छे तरीके से याद है। हाँ जी तुम कह रही हो ऐसे कारीगर नहीं है। मसाला अच्छे से बन गया है और इसमें मैंने कर दिया छोले ऐड, मेरे लिए थोड़ा से भी नहीं निकाले, थोड़े से तुम्हें पता है मैं खाता हूँ जैसे बच्चे नमक वाले नहीं, हाँ हाँ बगैर नमक वाले बस ठीक है, बस काफ़ी काफ़ी बस, थैंक यू थैंक यू। ये कूंद्र कह नहीं, ये भूतरे हैं, शर्त लो मेरे नाल राबिया, शर्त लगा लो इस बात की, लगा लो कूंद्र है भूतरे नहीं है। कूंद्र से मुराद उर्दू में समझाओ ना, वो जो जब मैं दिखाती हूँ झाड़ियों की तरह इतनी बड़ी बड़ी खड़ी होती है दरियाओं में होती है जी। ये राबिया मैं तो कह रहा हूँ नहीं भूतरे नहीं है, कूंद्र है। पक्की गल है? और इसकी नफासत चेक करें, ये भी पठानी बाजी ने दिए थे ना, पठानी
असल में जी ये हमारा साल हो गए हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है। तो और ये देखें, ये तो खास तौर पे हमारे गांव में ही बनाए जाते हैं, हमारे गांव में ये बनवाए हैं। हाँ ये बनवाई है, ये देखें ये चंगेरे, ये खजूर की, ये खजूर भी हमारे इलाके, ये देखें इसमें फर्क और इसमें फर्क है। वो तो है, लेकिन तुम कह रही हो ना कारीगर वाली, वो वाली अब मैं तुम्हें दिखाऊं। ये भी तो अपने इलाके की बनी हुई है ना, ये भी अपने, तो ये चेक करें जी, ये ज्यादा खूबसूरत है या वो ज्यादा खूबसूरत? ये ज्यादा खूबसूरत, नहीं वो बारीक बनी हुई, बिल्कुल बारीक सा नफासत सा काम। यहाँ पर भी बन जाएंगी वैसी, लेकिन डिजाइन तो वही है ना स्टार वाला, देखो नहीं वो डबल स्टार है, दिखाओ ऊपर रखिये यदि चाहिए, वो डबल स्टार है। अच्छा हमने जितने लोगों को भी ये गिफ्ट दिए है ना, ये फर्क देखे आपको, मैं कह रहा था कि हमने जितने लोगों को भी ये गिफ्ट दिए ना, हमने उनको दिए हैं कि चले भी अपनी रोटी वोटी रखेंगे घर में, लेकिन उन्होंने दीवारों पे जो है ना वो बनाए हुए तो देखिए हमारे पास ये रखी हुई है, ये मेहमान आते ना उस टाइम पे निकालते हैं, ये मैं बड़ा चब्बा भी और ये चक्की भी। हाँ अभी भी मेहमान आने वाले हैं, टेंशन नहीं लो, कोई मसला नहीं है, मेहमान अल्लाह के रहमत आ जाए जी। सत बिस्मिल्लाह करा जी, आया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे लिए निकाल लेना, बाकी मैं पानी डाल देना, नमक तेज होगा ये। अगू तो बंद क्यों दिखो थे गाह की में उसने, हाँ चलो इधर ही बैठना ठीक है, तुम्हारी अम्मा ने सालन बना लिया ठीक है, फिर साथ चले जाना उधर अंदर बैठ जाना, खाना खा लेना, फिर दुकान थोड़ी देर बंद कर देंगे, फिर वह खुद ही संभालेगी। ओके मैं चल रहा हूँ जी इस तरफ, क्योंकि आज जो है ना हमारा ट्यूबवेल तो नहीं चला, लेकिन दूसरा चल रहा है, पानी जा रहा है चावलों वाले बीचे की तरफ, पनीरी की तरफ। ये जंतर लगा के तो समझ लें हमने बहुत ही बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ना अभी ये सेल हो रहा है और ना ही हमारे पास कोई जानवर है कि हम जो है ना इसको काट के खिलाएं। चावलों की पनीरी बिल्कुल तैयार है, लगाने के मूड में है, लेकिन ना ये बिक रहा है और ना कुछ हो रहा है, ये समझ लें कि बस पैसे ही बाउंड हुए हैं, अच्छे खासे पैसे बाउंड हुए हैं। ये वाला भी चेक करें, पूरे का पूरा तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है, ये चेक करें। अब पता क्या होता है इसका, क्या होगा कि बिका ठीक नहीं तो फिर ऐसे ही सबको रूट लगा देंगे, इस जमा से तोड़ के गए। बयाली कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है, बच्चे इसको भी नहीं छोड़ रहे, सारी नीचे से ज़मीन भी ख़राब कर रहे, लाल लाल हो गए हैं। वो वाला भी पेंडिंग में है समझ लें, वो जहाँ पर ट्रैक्टर घूम रहा है ना, वो सामने जो जंतर लगा हुआ है वो भी अभी पेंडिंग में खड़ा हुआ है। चावलों का बीज बिल्कुल तैयार है, ये चेक करें, बिल्कुल काश्त के काबिल हो चुका है। वाह दोपहर का खाना शुरू भी हो गया, मैं बाहर गया हूँ वो पनीरी को देखने के लिए, मैंने कहा पानी उधर चाल तो पानी। अच्छा पता है एक काम करो राबिया, रोज़ाना ना थोड़ा सा जंतर ना काट के ना उसकी सालन पकाना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमने ही ख़त्म करना है, ना ही वो बिक रहा है, अभी भी हंस रही है देखो क्योंकि ना बिक रहा है ना ही जो है ना, हमें तो ज़मीन खाली करनी है ना, सब लोगों के चावल तैयार हैं, सब लोगों के जंतर खड़े हैं ना दी, थोड़ा तू पट्टी की कर उड़े घर पकाया कर, हाँ रोजाना इनको कह रहा हूँ तो रोजाना खुद पकाया करो घर में बैठ के क्या करे जी मशवरा क्या, बस वो कहते हैं ना जी नया नया किसान जो होता है ना, या नया नया कोई भी बंदा होता है ना, वो फंसता एक दफा जरूर है, ये मैं नया नया किसान था, फर्स्ट टाइम था फंस गया मैंने कहा था कि ये बिक जाएगा, चलो कुछ खर्चा वर्चा इसका निकल जाएगा और फिर चावलों की फसल आ जाएगी, चावल लगा देंगे। अब चावल की पनीरी तैयार है, ये बिक नहीं रहा, सुना है आपने कैसे कैमरे के पीछे होती है या दी अल्लाह अकबर सराय की मैं इतनी गाली दी है व्यापारियों को